ऐसी औरत जो हामिला है, जिसके पेट में बच्चा है, उसे माहिर, हज़्ज़ाक, समझदार, दीनदार हकीम ने यह बतलाया है कि अगर तुमने रोजा रखा उससे तुम्हारी सेहत पे असर पड़ सकता है, तुम्हारा जो बच्चा परवान चढ़ रहा है उसकी सेहत पे भी असर पड़ सकता है, या इसमें दोनों में से किसी एक की जान के जाने का खतरा है, तो अब उसके लिए गुंजाइश है, इजाजत है कि वह रोजा ना रखे। बाद में इस रोजे की कजा देना लाजिम होगा, लेकिन जरूरी है कि उसे कोई समझदार, दीनदार डॉक्टर हो। यूं नहीं कि उसने कह दिया कि बस आप रोजा ना रखें। अब जिस बंदे की नजर में रोजे की अहमियत ही नहीं है तो वो आपको क्या बताएगा? तो जो दीनदार होगा, समझदार होगा, वो बताएगा कि रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दूसरा मसला, उमूमी तौर पर अहबाब पूछ लेते हैं कि अगर जिस्म के बैरूनी हिस्से से, ये जो जाहिरी जिस्म का हिस्सा है, इससे अगर खून निकले क्या रोजे पे असर पड़ता है? तो ये तो बड़ी सादा सी बात है, आम फहम बात है, जो हर एक के जहन में बात आ जाती है कि जब आपके जिस्म के बैरूनी हिस्से से खून निकले इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है, रोजा नहीं टूटता है। लेकिन अगर दांतों से खून निकला तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पर आपके दांतों से खून निकला लेकिन वो आपके मुंह के अंदर ही रहा, हल्क से नीचे नहीं उतरा, तो रोजा नहीं टूटेगा। ये बिल्कुल आम फहम वाजे जवाब है। दूसरी एक इसकी वजह है कि आपके थूक के अंदर खून दाखिल हो गया, दोनों की आमेजिश हो गई, दोनों मिल गए। अब देखा यह जाएगा कि खून की मकदार ज्यादा है या थूक की मकदार ज्यादा है। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता भी लग जाता है अगर खून की मकदार ज्यादा हो तो उसका जायका महसूस हो जाता है, अगर थूक की मकदार ज्यादा हो तो फिर खून पर क्योंकि उसका गलबा होता है तो थूक का जायका जो है वो महसूस हो जाता है। अगर दोनों मिल गए, अब देखा यह जाएगा कि अगर थूक पर खून गालिब है और यह हल्क से नीचे उतर भी गया, रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर दोनों मिले और इनमें से खून की मकदार कम है, थूक की मकदार ज्यादा है, वो भी जायके के जरिए मालूम हो जाएगी, इससे रोजा नहीं टूटेगा अगर वो हल्क से नीचे उतरा। एक और भी तीसरी वजह बयान की कि दोनों की मकदार बराबर है, यानी थूक की जो मकदार है और खून की मकदार है, ये दोनों बराबर बराबर हैं, लेकिन है काफी मकदार के अंदर, अगर ये हल्क से नीचे उतर गया तो इससे उलमा ने कहा रोजा टूट जाएगा। एक और भी मिसाल है बयान की जाती है, सूरत मसला है। मिसाल के तौर पर बाज लोगों की आदत होती है कि थूक को जमा करते रहते हैं मुंह के अंदर, वैसे नहीं करना चाहिए, यह अच्छी आदत नहीं है, लेकिन अगर रोजे की हालत के अंदर थूक को मुंह के अंदर जमा किया और फिर निगल गया, रोजा तो नहीं टूटेगा लेकिन कराहत है इसके अंदर, रोजा मकरूह हो जाएगा, नापसंदीदा अमल है, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक और भी मसला है कि बाज दफा अल्लाह ताला करम नवाजी कर देता है कि एक औरत को अल्लाह ने औलाद से नवाज दिया, अब उसकी जिम्मेदारियां जो है वो दुगनी हो जाती है। अब उसने बच्चे को दूध पिलाना है, दूध पिलाने से रोजा तो नहीं टूटता है, रोजे पर असर भी नहीं पड़ता है, लेकिन किसी समझदार डॉक्टर ने बताया या उसको अपनी गिरती हुई सेहत के जरिए से यह इल्म हुआ कि अगर मैंने रोजा की हालत में बच्चे को दूध पिलाया तो मेरी सेहत पर या मेरे बच्चे की सेहत पर इसका बड़ा, बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, तो अब वो रोजा ना रखे, बाद में रोजे की कजा देते। एक और मसला, आखिरी मसला, और इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन ये मसला है, ये मसाइल फिकी जो है आपके सामने बयान होते रहेंगे। अल्लाह ना करे किसी को गुर्दों की बीमारी होती है। अब बाज लोग इतने सेहतमंद भी होते हैं, तंदुरुस्त और तवाना होते हैं कि गुर्दों की बीमारी के बावजूद भी वो रोजा रखने की सलाहियत रखते हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि आपको गुर्दों की बीमारी है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, और वह इतनी सख्त और इतनी शदीद और इतनी सख्त बीमारी है कि अगर आप रोजा रखते हैं तो आपको नुकसान का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप रोजा ना रखें। बाद में सर्दियों के अयाम आए, क्योंकि वो अयाम छोटे होते हैं, यानी घड़ियों के एतबार से, वक्त के एतबार से आप उन अयाम के अंदर रोजा रख सकते हैं।